यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रोक दफा। नमस्कार, देश की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत की। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पीने के पानी की किल्लत हो रही है। और बात करें बल्लभगढ़ की, वहां से खबर आई है कि पीने के पानी की दिक्कत आ रही है और गर्मी की वजह से गाँव के तालाब सूख गए हैं। पशुओं के पानी के लिए पानी भी खरीदना पड़ रहा है और पानी की कमी की वजह से लावारिश पशु दम तोड़ रहे हैं। और चरखी दादरी में भी पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने भिवानी महेंद्रगढ़ रोड जाम कर दिया है। उधर हिमाचल में भी पानी का संकट गहरा गया है। शिमला में पीने के पानी की कमी के चलते लोग रात में ही प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और शिलाई की तस्वीरें भी बयां कर रही है कि पानी की कितनी कमी है। और शिमला में बार एसोसिएशन ने पानी की किल्लत के चलते काम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि पिछले 15 दिनों से शिमला में पानी नहीं है। और इसलिए खबरें अभी तक आज देश की आवाज में यही मुद्दा उठा रहा है। तो आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आपके यहां भी पानी की दिक्कत है। जब हर साल पीने के पानी की किल्लत होती है तो फिर प्रशासन ने पहले से समस्या के निपटान के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए। तो आज के बड़े सवाल आपको बता देते हैं। हिमाचल हरियाणा में जल संकट गहरा गया है, पीने के पानी की दिक्कत लगातार सामने आ रही है। तो आज के बड़े सवाल आपको बता दें, कई इलाकों में पानी की दिक्कत है और यहां पर आपको बता दें कि शिमला में 15 दिनों से पानी नहीं है। पिछले 15 दिनों से शिमला में जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो पानी की समस्या से परेशान हैं। क्या आपके इलाके में भी पानी की किल्लत है? अगर पानी की किल्लत है तो आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या प्रशासन पानी की किल्लत से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है? तो ये लगातार आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं। और इस कार्यक्रम के पहले दर्शक गोविंद कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैडम जी, यहाँ पर आईपीएच विभाग के वर्कर जो लापरवाही की वजह से लोगों के लीकेज बहुत है जी, इसमें पानी चोरी हो रहा है। इसकी वजह से हमारा धार गाँव में यहाँ पर लगभग 400 आदमी रहते हैं, यहाँ पर गाय बच्चों जो सब बुरा हाल है जी। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर आपका कहना ये है कि जो आईपीएच महकमा है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। और इसी के साथ शिमला से अगले दर्शक सपना हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। मैम बहुत दिक्कत है यहाँ पे ना शिमला में, माल रोड के पास हमारा घर है थोड़ा सा, ना वहाँ शॉप्स में पानी होता, कुछ नहीं होता, बड़ी ज्यादा दिक्कत हो गई है। कल रात को गए भी थे सब लोग वहाँ पे धरना वगैरह देने, रात को आधी रात को, बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं हो पाता मैडम, क्या करें। बहुत जी, तो बिल्कुल लगातार पिछले 15 दिनों से ये समस्याएं सभी को आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि शिमला में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या आ रही है और यहां पर सीएम जयराम ठाकुर ने आईपीएच महकमे की रिव्यू बैठक कराई थी और जिसमें नए हेडपंप लगाने के आदेश दिए गए थे, साथ ही टैंकरों के द्वारा लोगों को पानी दिए जाने के निर्देश भी दिए थे। तो आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं, हिमाचल हरियाणा में जल संकट गहरा गया है, पीने के पानी की दिक्कत हो रही है और यहां पर आपको बता रहे हैं आज के बड़े सवाल, कई इलाकों में पानी की दिक्कत हो रही है, पिछले 15 दिनों से पानी की दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ हिसार से अगले दर्शक राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम, ये मैं आपका आज ये प्रोग्राम देख रहा था, बहुत ही अच्छा आज आपने ये टॉपिक जो उठाया है पानी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो पानी है ये मतलब किसी एक गवर्नमेंट की या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबका हुआ है भी हम पानी को सेव करें जी। ये हमें कुदरत की तरफ से एक आने वाले उसकी चेतावनी है भी, हमें आज संभलना होगा, हमें हवा पानी अपने जंगल पर्यावरण को बचाना होगा। जिस तरह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग का दौर है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इनके लिए इनको सुरक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे। आप देखिए मैडम, पानी की बोतल 20 रुपए की है, दूध का पैकेट 23 रुपए का है, तो पानी दूध में तो वो फर्क रहा ही नहीं। अगर ये 2018 में ये हालत है तो 2025 में, 30 में, 50 में क्या होगा जी। हाँ जी जी, तो ये सरकार का, हमें हर बार सरकार के सिर पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, हमें आगे आके खुद पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर कई दर्शक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। और इसी के साथ शिमला से यशपाल ठाकुर हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये पानी की यहाँ समस्या बहुत है। जी ये पानी की समस्या बहुत है मैम, हर तरफ विकासनगर में गंदगी पसरी हुई है। कोई अपना कमेटी का बड़ा अफसर या बड़ा भी ओहदेदार यहाँ नहीं आता बिल्कुल भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है वो मुआयना करने के लिए नहीं आता है घटनास्थल पर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मॉल रोड पर टैंकर को भेज करके स्थानीय निवासियों को पानी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि टैंकर भेजने के निर्देश दिए गए थे सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा, लेकिन मात्र 3 ही टैंकर भेजे गए। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा शिमला शहर है और साथ के साथ पर्यटन सीजन भी चल रहा है, जिसकी वजह से सैलानी भी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में मात्र 3 टैंकर क्या पानी की प्यास बुझा पाएंगे? और यहाँ पर आपको तस्वीरें भी हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाइनों में लग करके जितने भी स्थानीय निवासी है हाथों में बाल्टियां लेकर के पानी भरने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 50 से 75% तक इस बार जल स्तर जो है वो गिर गया है, और ये खुद IPH विभाग के अधिकारियों ने माना है। और इसी के साथ शिमला से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए। चार्ल्स, हेलो जी, अपनी राय रखिए। मेरा नाम तो बोलो, आप चार्ल्स बोल रहा हूँ मैं। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चार्ल्स, चार्ल्स जी अपना नाम बताइए। जी अपनी राय रखिए। हेलो, आप Hello? अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करके अपनी राय रख सकते हैं, आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हेलो हेलो जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करके अपनी राय रख सकते हैं, आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ रहे हैं। ये है कि जो प्रशासन है, जो मेन प्रॉब्लम 15 दिन से आ रही है पब्लिक, वो पानी की है। तो ये मेजर इश्यू है। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है पानी के बगैर तो कैसे काम चल सकता। तो ये गवर्नमेंट या कमेटी वाले जो है जी, इनको हर एक वार्ड में खुद जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है किस तरीके से सॉल्व करनी है। जी तो इनको मतलब के पूरा अपना तवज्जो देकर और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। पहले भी तो प्रॉब्लम सॉल्व थी, ये बहुत देर के बाद ऐसी दिक्कत आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये तो लाजमी सी बात है कि अगर एक ही दिन पानी ना मिले तो कितना बुरा हाल हो जाता है, और यहाँ पर पिछले 15 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी स्थानीय निवासी है कितनी समस्याओं से इनको गुजरना पड़ रहा है। और शिमला से हमारे अगले दर्शक यतीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। मैम जी, शिमला में आपको देख ही रहे हो 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। जो पानी आ रहा है वो भी आप देख रहे होंगे, मतलब प्रॉपर हमें मिलता नहीं है। और सीवरेज का पानी में इतनी गंदगी आ रही है, इतनी मिट्टी है जी, आपको क्या बताएं जी। ठीक है, और कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहा है हमारे जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर अगर वैसे तो पानी नहीं मिल रहा है पिछले 15 दिनों से, जो भी पानी पहुंचाया जा रहा है टैंकरों के द्वारा वो भी स्वच्छ नहीं है। और इसी के साथ हिसार से हमारे अगले दर्शक जसबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। जसबीर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, यहाँ पर तो काफी दिक्कत हो रही है 8 महीने से। हरियाणा में भी पीने के लिए पानी भी नहीं है, और यहाँ पर खेती के लिए भी नहीं है और पीने के लिए नहीं है। यहाँ पर बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पानी के लिए। इसमें हम तो सरकार को दोषी मानते हैं जी, मान ली सरकार कुछ उपाय कर ही नहीं रही है पानी के समाधान के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ना सिर्फ हिमाचल बल्कि हरियाणा भी इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहा है। जितने भी मवेशी हैं वो बीमार हैं, और लगातार पशुओं की मौत की खबरें भी आ रही है। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक शिमला से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। नरेंद्र अपनी राय रखिए। हेलो जी मैडम, इतने दिनों से पानी नहीं आ रहा है,
तो इतने बुरे हाल है, पशु मर रहे हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और होटलों को सप्लाई कहाँ से हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पर्यटन सीजन है और यहाँ पर सैलानी लगातार आ रहे हैं, और ऐसे में होटलों को भी पानी अच्छी से मुहैया नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि शिमला की 2 लाख आबादी है और 40 MLD पानी की रोज जरूरत पड़ती है, लेकिन रोज शहरवासियों को मात्र 50 से 25 MLD पानी ही मिल पाता है। और पानीपत से हमारे अगले दर्शक मनुमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैडम जी नमस्कार। जी जी नमस्कार मैडम जी। पानी का हाहाकार तो पूरे देश में है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पशु मर रहे पानी के बगैर। हम सभी सरकारों से निवेदन करते हैं कि ये मन मुटाव बोल करके सभी नदियों का एकजुट संरक्षण किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्कीम शुरू की थी, जी यही काम मोदी जी ने करना चाहिए। सभी नहरों को जोड़ना चाहिए जी, ताकि पूरे देश में पानी आए। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, कहीं हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है, कहीं चीन जा रहा है, कहीं नेपाल जा रहा है जी। अगर हमारी देश की सरकार इस पानी को इकट्ठा करके सभी नहरों को जोड़ा जाए तो पानी में देश के अंदर कोई कमी नहीं और सारा देश खुशहाल होगा जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देश की आवाज एक ऐसा मंच है जो आपकी आवाज को सरकारों तक पहुंचाता है, और लगातार यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। और इसी के साथ हिसार से हमारे अगले दर्शक साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। साहिल क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि आज के बड़े सवाल क्या है, क्या प्रशासन पानी की समस्या से निपटने में नाकाम साबित हो रहा है, और पानी की किल्लत पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये जो समस्या है ये हर एक जन से जुड़ी हुई है। और शिमला में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, बार एसोसिएशन भी सड़कों पर उतर गया है, काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि रात को भी लगातार प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर जितने भी स्थानीय लोग थे वो उतर गए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो लगातार नाकाम साबित हो रही है। और हर साल ये समस्या आती है, लेकिन इस बार सरकार ने ये बहाना दिया है कि इस बार बर्फबारी नहीं हुई, और इस वजह से पानी की समस्या जो है लगातार सामने आ रही है। और न सिर्फ बल्कि हिमाचल में भी, बल्कि हरियाणा में भी ये समस्या लगातार आ रही है। और शुरुआती गर्मी के शुरुआती दौर पर हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा था कि गर्मियों के दौरान किसी को भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। राज्यों के विभिन्न जगहों पर 342 ट्यूबवेल लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके जितने भी नदी नाले हैं वो सूख रहे हैं, पशु बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जितनी भी गाय और भैंस हैं उनके भी दूध की उत्पादन जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। और यहाँ पर आज के बड़े सवाल आपको बता दें कि आपके इलाके में भी क्या इसी तरह से पानी की किल्लत से आपको जूझना पड़ रहा है? अगर इसी तरह की समस्याएँ आपके सामने आ रही हैं तो आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश आप कहाँ से हैं ये बताइएगा और फिर अपनी राय रखिएगा। मैं सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से हूँ, गांव कंडो से। जी गांव कंडो से बोल रहे जी, और हमारे यहाँ की जो समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। उठाओ पेयजल योजना जो शुरू हुई थी हमारे गाँव में आज से 11 साल पहले, ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी जो हमारे MLA है उन्होंने शुरू की थी जी। लेकिन जो समय के साथ साथ उन्होंने कई बार देखी, कई बार इलेक्शन के दौरान इधर आए, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो नेता है कृपया इस पर अगर थोड़ा तो ध्यान देगी तो मेहरबानी होगी उन लोगों की, क्योंकि हमारा गांव बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है इस टाइम, पानी की बहुत समस्या है। कम से कम 5-5-6 किलोमीटर पहाड़ी से चल के पानी निकालना पड़ता है गाँव के लिए पीने के लिए, और जानवर भी भूखे मर रहे, इधर यहाँ से मर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही इलेक्शन आते हैं ये नेता तमाम सड़कों पर उतर जाते हैं सेवक बनकर, और इसके बाद जब जनता परेशान होती है तो ये सभी गायब हो जाते हैं।
और इसी के साथ शिमला से अगले दर्शक विकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। मैडम मेरा नाम विकी भूम्बक है। जी मैम, मैं शिमला से बात कर रहा हूँ। जी जी, अपनी राय रखिए। जी मैम, हमने ऐसा कि जिन नेता जितने भी हैं इनको बोला जाए कि कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई छोड़कर ठीक है आपस में कम से कम पानी का निपटारा तो कीजिए। जी ठीक है, और ये हमेशा जब भी बीजेपी सरकार आई है सत्ता में तब तब ही इस अकाल को देखना पड़ा है। जी चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर विकी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जब बीजेपी का शासन आया है तो इसी तरह के अकाल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि हर गर्मियों में इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है जितने भी स्थानीय निवासी हैं। और इस बार आपको बता दें कि पिछले 31 मार्च तक 35% जल स्तर की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब वो बहुत ऊपर हो गई है, इसके आंकड़े बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि 50 से 75% तक जल स्तर में कमी आई है और यहाँ पर जितने भी मवेशी हैं वो भी परेशान हैं, स्थानीय लोग भी परेशान हैं और यहाँ पर कारोबार जो है वो भी ठप होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पर्यटन का सीजन है, सैलानी लगातार हिमाचल में आ रहे हैं क्योंकि गर्मियों को देखते हुए जितने भी सैलानी होते हैं वो हिमाचल की ओर रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब अगर पानी की समस्या सामने आती रही तो ऐसे में कारोबार का ठप होना भी लाजमी है। और इसी के साथ हिसार से अगले दर्शक सतबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। सतबीर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी जी, आप अपनी राय रखिए। जी मैं ये कह रहा हूँ इस सरकार के आने के बाद अब की बार 2 महीने पानी नहीं आया, नहर में नहर बंद हो जाती है बार बार। जी अब भी हमारी बंद हो गई, 4-5 दिन पानी चल के कैसे काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पारा जो है 44 से 45 के आसपास काउंट किया जा रहा है और जिसके चलते नदियाँ और नहर जितनी भी हैं वो सूखती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में जितने भी स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो हिमाचल हो, दोनों ही जलस्तर में गिरावट की वजह से परेशान हैं। और आज के बड़े सवाल लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पीने के पानी की दिक्कत सभी को आ रही है और कई इलाकों में पानी की दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मवेशियों को पानी पिलाने के लिए खरीदने की नौबत आ रही है। और शिमला में आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से पानी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक दिन भी घर में पानी ना आए तो किस तरह से गुजारा किया जाता है। और यहाँ तो पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है और इसी को लेकर जितनी भी ये जनता है वो रात को सड़कों पर उतर गई क्योंकि पिछले 15 दिनों से ये लोग टैंकर से पानी भरने के लिए मजबूर हैं, बहुत दूर दूर तक इन्हें पानी ढोना पड़ता है और हाथों में बाल्टियाँ लेकर के ये लंबी कतारों में खड़े होते हैं, टैंकर के द्वारा पानी भरते हैं। और यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि नए हेडपंप लगाए जाएँ, टैंकर के द्वारा लोगों तक पानी पहुँचाया जाए, लेकिन मात्र 3 टैंकर ही पहुंचाए गए और ऐसे में मात्र 3 टैंकर क्या पूरे हैं, यहां पर यह सवाल आज ये उठता है। और आज के सवाल आपको बता रहे हैं शिमला में 15 दिनों से पानी नहीं है और इसी के साथ फतेहाबाद से हमारे अगले दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। जी मैडम, मुझे लगता है कि पानी की तो दिक्कत है ही, सभी जगह है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए। प्रशासन और सरकार जो अपने स्तर पर करता है कर सकता है, वो उसने क्या किया है क्या नहीं किया है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें भी पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम देखते हैं जब भी अगर जिन इलाकों में पानी की किल्लत कम है नहीं होती है वहाँ लोग पानी को बहुत बर्बाद करते हैं, तो उससे बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कहीं अगर हम पानी यहाँ बचाएंगे सोचें कि आगे जाकर दूसरों को मदद मिलेगी और आने वाली पीढ़ियां हमारी सुधरेंगी। अगर हम पानी बचाएंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो है सहायता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बिल्कुल पानी के बचाव के लिए हमें भी आगे आना पड़ेगा। और इसी के साथ रोहतक से हमारे अगले दर्शक श्याम नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। श्याम नारंग क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए आज के बड़े सवाल आपको बता देते हैं। पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, कई इलाकों में पानी की दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिलासपुर, रामपुर और शिमला का शिलाई क्षेत्र, यहाँ पर पिछले 15 दिनों से पानी की कमी आ रही है। शिमला के मॉल रोड पर टैंकर आ रहे हैं, उसके लिए जितने भी स्थानीय लोग हैं वहाँ पर पानी भरने के लिए जाते हैं।
और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक ऊना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप अपनी राय रखिए। हेलो मैम, हमारे ऊना में भी पानी आ रहा है, आज सुबह पानी नहीं आया। यहाँ पर भी गर्मी में यही प्रॉब्लम रहती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो हिमाचल के कई इलाके आपको बता रहे हैं कि जहां पर पानी नहीं आ रहा है, शिमला में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, ऊना में पानी नहीं आ रहा है। बात करें शिलाई क्षेत्र की तो वहां पर भी जो जल स्तर है वो लगातार गिर गया है, नदी नाले जो है वो सूख रहे हैं और ऐसे में सरकार जो है वो नाकामयाब साबित हो रही है। और इसी के साथ शिमला से अगले दर्शक अमित चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैडम, ये जो बड़े रसूखदार है, अगर उनके घरों में पानी ना जाए या मंत्रियों के घर में पानी ना जाए जी, तो तब ग्राउंड में पता लगेगा कि भाई क्या स्थिति आम लोगों की है जी। जंगलों में आग लग रही है, कौन लगा रहा है, उसके प्रति कोई FIR होती है या क्या होती है? नई नर्सरी सब खत्म होती है, तो इस बारे में कौन सोचेगा? आम जनता सोचेगी या सरकार सोचेगी जी? तो इसको रोकने के लिए सरकार को ऐसा कदम उठाए, जंगलों की आग रोके, ठोस कदम ऐसा उठाए कि तालाब और पोखर का ये गांव-गांव में जो है उसका ये उसकी तरफ ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, अगर ये जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं जमीनी स्तर पर, अगर इन्हें भी ये पता चले कि क्या क्या समस्याएं लोगों को आ रही हैं, तो शायद इन्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनसे लगातार लोग जूझ रहे हैं। और इसी के साथ सोलन से अगले दर्शक रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी रंजन, आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, रंजन नहीं, रजत बोल रहे हैं सोलन से। जी रजत, अपनी राय रखिए। जी मैम, एक तो नंबर एक पानी की बहुत अकाल समस्या है जी मैम। एक तो यहाँ पर जी मैम यहाँ पर एक तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और MC में जाकर के कोई सुनवाई करता नहीं है, पानी की किल्लत को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है मैम, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो तैनात किए हुए प्रवक्ता है जयराम ठाकुर जी के द्वारा, तैर जो वहाँ पे EO वगैरह बैठने चाहिए, मगर वहाँ पे एक RTO को काम संभाला जा रहा है पूरे नगर परिषद का, जिसको देख करके आप ये देख सकते हो कि इनके पास मेरे को लगता है कि कोई बिठाने के लिए है नहीं वहाँ पर, और पानी की समस्या तो बहुत ही ज्यादा है वहाँ पर जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के साथ चंबा से हमारे अगले दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। देखो कीर्ति, मैं बता दूं कि ये जो पानी की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले सरकार को तो सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन नुमाइंदों को कीर्ति, जो ऐसे ऐसे जो जीत जाते हैं पहले जो है वो पानी, सड़क और ये जो मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं इनको लेकर पहले तो वो बोलते हैं कि हम इन सब मूलभूत सुविधाओं का जो है वो आपका उपचार तुरंत निदान करेंगे, और जब वो विधायक बन जाते हैं, जब वो कुछ बन जाते हैं तो वो शिमला में जाते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं, उनको वैष्णरी की पानी की बोतलें आ जाती हैं, वो मजे में उपभोग करते हैं, लेकिन आम जनता, हालांकि आपके जो चैनल हैं या अखबारें हैं वो ऐसे मुद्दों को बार बार उठाते तो रहते हैं, लेकिन फिर भी टाइम से पहले ही उठाते हैं ऐसे मुद्दों को, फिर भी ये जो नगर परिषद है, जो हमारे जो पंचायतें हैं, वो इन पानियों की जो मुश्किलें होती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार पिछले 15 दिनों से लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, और ऐसे में जितने भी दर्शक हैं वो लगातार अपनी राय रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम दर्शकों का हमारे से जुड़ने के लिए। फिलहाल नमस्कार।